हेलो एवरीबॉडी, कैसे सब लोग? सब बढ़िया। चलिए आज मैं आपको बताऊंगा कि जो डिफरेंट फ्लावर्स होते हैं उनके ओवरी को पोजीशन को लेके उनको क्लासिफाई किया जाता है, जैसे कि हाइपोगाइनस, पेरीगाइनस और एपीगाइनस। एनसीआरटी में दे रखा है हाइपोगाइनस क्या होता है, एपीगाइनस, पेरीगाइनस, और उसके कुछ एग्जाम्पल दे रखे, ठीक है। तो उसको एग्जाम्पल जो है, उसके जो जितने सारे एग्जाम्पल है वो कैसे याद रखेंगे, उसका ट्रिक आज हम देखेंगे। चलिए, तो हाइपोगाइनस की एग्जाम्पल, हाइपोगाइनस में आता है मस्टर्ड, साइनरोज, ब्रिंजल, और उसका जो ओवरी होता है वो सुपीरियर ओवरी होता है, ठीक है। तो इसको याद रखने के लिए ट्रिक क्या है, मैं चाइना से रोज ब्रिंग किया, मुझे मिला हूं हिप्पो सुपीरियर, ठीक है। हिप्पो एक बैटरी होता है, पता है, तो बैटरी वगैरह जो भी होता है, बैटरी, मोबाइल, ये सब चाइना से लाते हैं। तो यहां पर एक मतलब ये सेंटेंस आपको याद रखना है, मैं चाइना से रोज ब्रिंग किया, मुझे मिला हिप्पो सुपीरियर, ठीक है। तो मुझे उसके साथ साथ क्या मिला, एक फ्री में हिप्पो सुपीरियर मिला। तो मैं से आ जाएगा एम से मस्टर्ड, चाइना से रोज ब्रिंग किया तो चाइना रोज, ब्रिंग से ब्रिंजल, ठीक है। तो मस्टर्ड, चाइना रोज, ब्रिंजल किया, मुझे मिला हिप्पो, हिप्पो मतलब यहाँ पर हाइपोगाइनस ओवरी, सुपीरियर मतलब हाइपोगाइनस ओवरी जो होता है वो सुपीरियर होता है, ठीक है, उसमें ओवरी सुपीरियर पोजिशन पर होता है। तो ये आ जाएगा आपका हाइपोगाइनस के लिए याद रखने का ट्रिक। नेक्स्ट आ जाएगा आपका पेरीगाइनस। पेरीगाइनस में आपको सिर्फ और सिर्फ पेरी लिखना है, ठीक है, उसी नाम में ही आपका सब एग्जांपल आ जाएगा। तो पहले आ जाएगा पी, पी से आपका आ जाएगा प्लम, फिर उसके बाद पीई, पीई से आ जाएगा आपका पीच, फिर उसके बाद आर, आर से आ जाएगा आपका रोज, ठीक है। तो प्लम, पीच, रोज, उसके बाद आ जाएगा आई, आई से इन्फेरियर ओवरी होता है, लेकिन ये सिर्फ इन्फेरियर नहीं होता, ये होता है हाफ इन्फेरियर ओवरी। तो इसको याद कैसे रखेंगे कि ये हाफ इन्फेरियर है, तो इसे याद रखना कि प्लम, पीच, रोज, ये आ जाएगा पेरी से आ जाएगा प्लम, फिर पीई से पीच, फिर बाद में आर से रोज। तो प्लम, पीच, रोज, देखे हाई बोलना, ऑब्वियसली पीच जो रोज देखे हाई ही बोलोगे ना, तो प्लम, पीच, रोज, देखे हाई बोलना, हाई से आ जाएगा एच आई, हाफ इन्फेरियर, ठीक है। तो ये जो आ जाएगा पेरीगाइनस ओवरी, ये पेरीगाइनस ओवरी में क्या क्या एग्जांपल आ जाएगा, ना पी से प्लम, पीई से पीच, आर से रोज, प्लम, पीच, रोज, दे के हाई बोलना, हाई से आ जाएगा हाफ इन्फीरियर, ठीक है। नेक्स्ट आ जाएगा आपका एपीगाइनस। एपीगाइनस ओवरी जो होता है, एपीगाइनस में ए पी आई, तो ये जो आई आ जाएगा दैट इज इन्फीरियर ओवरी, ठीक है। पेरी में भी इन्फीरियर, एपी में भी इन्फीरियर, लेकिन पेरी में क्या होता है, हाई बोलते हैं हम, तो हाफ इन्फीरियर, तो एपी में क्या आ जाएगा, सिर्फ और सिर्फ इन्फेरियर ओवरी। तो इसमें याद रखने का ट्रिक क्या है, जो इन्फेरियर होता है मतलब जिसको कुछ सुपीरियर वाला तो बड़ा होता है, इन्फेरियर वाला छोटा होता है, तो यहाँ पे याद रखना इन्फेरियर सन कुकिंग गोभा एंड कुकुम्बर। इन्फेरियर सन जो होता है उसको कुछ देंगे तो वो कक्कड़ खा रहा है, मतलब कुकुम्बर खा रहा है और गोभा खा रहा है, उसके पास चिकन मटन खाने के लिए पैसे ही नहीं है, क्योंकि उसको कुछ किसी ने कुछ दिया ही नहीं। तो इन्फेरियर सन कुकिंग गोभा एंड कुकुम्बर, तो इन्फेरियर जो होता है, इन्फेरियर ओवरी, उसका एग्जाम्पल है सन, सन मतलब सनफ्लावर, तो रे फ्लोरेट्स ऑफ सनफ्लावर, रे फ्लोरेट्स ऑफ सनफ्लावर आ जाएगा, कुकिंग गोभा, तो एक आ जाएगा दूसरा गोभा एंड कुकुम्बर। तो यहाँ पर एपीगाइनस का एग्जाम्पल आ जाएगा रे फ्लोरेट्स ऑफ सनफ्लावर, गोभा, कुकुम्बर, और एपीगाइनस होता है ये इन्फेरियर ओवरी होता है, ठीक है। तो ये तीनों के तीनों एग्जाम्पल याद रखने के तरीके। हाइपोगाइनस के लिए मैं चाइना से रोज ब्रिंग किया, मुझे मिला हिप्पो सुपीरियर, तो यहाँ पर याद रह जाएगा। पेरीगाइनस के लिए प्लम, पीच, रोज, दे के हाई बोलना, और एपीगाइनस के लिए एपी से इन्फेरियर ओवरी, तो इन्फेरियर जो सन होता है वो कुकुम्बर और गवाही कुक करके खाएगा, उसके पास और कुछ है ही नहीं, ठीक है। तो मुझे लगता है वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा और आपके काम में जरूर आएगा, और मुझे लगता है अगर आपको अच्छा लगा है तो दोस्तों के साथ शेयर करना, लाइक भी ठोक दो यार, और कुछ अच्छी चीजें कमेंट्स में लिख दिया करो ताकि अच्छा भी लगे, ठीक है, और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दिया करो, और दूसरों को बताओ कि यार इस तरीके के आप याद रख सकते हो, ताकि उनके भी परेशानी जो है वो भी चला जाए, आपका भी परेशानी जाए, आप दूसरों की भी परेशानी जाए। तो इसलिए चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू।